अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूजर फ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जैसे कि पहले फ्रेडी करंट को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम देखेंगे इंडिकेशंस कि किन किन कंडीशंस में आप फ्रेडी करंट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जो हमारे पास कंडीशन आ जाती है वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब किस तरह से इससे जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो करवा सकते हैं, तो आज हम जो है सबसे पहले हम इसको देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ना ये हमारे पास फ्रेडी करंट जो है वो मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, ये एल्बो जॉइंट मैंने ड्रॉ किया है, जैसा भी ड्रॉ किया इग्नोर करें। ये हमारे पास क्या है, ये बाइसेप मसल है, ये फॉर एग्जाम्पल ट्राइसेप्स हैं, और ये वाले जो है वो हमारे पास क्या है, ये वाले एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं, ठीक है। और जो मैंने ये ब्लू वाले ड्रॉ किए हैं ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स जो हैं इनको आप जो है वो मसल स्पिंडल भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब होता क्या है कि ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है वो मैसेज जो है वो लेके, जब आप फ्रेडी करंट अप्लाई करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये मैसेज लेके जाते हैं हमारे कहाँ पे, एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। किसके थ्रू लेके जाते हैं, प्राइमरी टाइप 1A फाइबर्स के थ्रू, ठीक है। टाइप 1 ये वाले जो फाइबर्स होते हैं ना जिसके थ्रू वो जा रहा होता है, इसको क्या कहते हैं, टाइप 1A फाइबर्स के थ्रू जो मैसेज है उसको लेके जाते हैं इंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे, और वहाँ से जो है वो फिर हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं कहाँ पे, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को, ठीक है। जो हमारे मसल स्पिंडल भी होते हैं उसको मैसेज देते हैं, ठीक है, कि आप कॉन्ट्रैक्शन करवाओ। और इसके अलावा ये तो हो गया एगोनिस्ट का एक्शन, इसके साथ साथ वो क्या करता है, यहाँ पे हमारे एक और फाइबर जो है वो अपनी एक ब्रांच जो है वो प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है हमारे एगोनिस्ट मसल को जाके, जो कि इस टाइम पे हमारा कौन सा मसल है, ट्राइसेप मसल, उसको कहते हैं कि आप अब रिलैक्स रहो, आपने कोई काम नहीं करना। एगोनिस्ट को रिलैक्सेशन कराते हैं और जो एगोनिस्ट है उसको एंटागोनिस्ट जो है उसको रिलैक्सेशन कराते हैं, और जो एगोनिस्ट है उसको क्या कराते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, ठीक हो गया। अब इस सारे ड्यूरेशन में आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल पेन हो रहा था, तो फ्रेडी करंट जो है वो क्या करेगा, वो पेन को इनहिबिट करेगा और मसल जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और दूसरी बात, आपने जब फ्रेडी करंट को अप्लाई करना है तो आपने पेशेंट को कहना है कि साथ में जो है वो वॉलंटरी मूवमेंट भी करे, ठीक है, वॉलंटरली कॉन्ट्रैक्शंस भी करे। और उससे क्या होगा, ठीक है, उससे हमारे पास ये होगा कि जो है अब 90 टाइम्स भी उसको खुद से कॉन्ट्रैक्शंस कराएंगे वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। जो अगर वो सिर्फ पेशेंट है वो अपनी एक दफ़ा ही वॉलंटरीली जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक हो गया। तो आपने जो है वो उस दौरान में उसको इंस्ट्रक्ट करते रहना है कि आप खुद भी कोशिश करो कॉन्ट्रैक्शन करने की, मूवमेंट करने की, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपने जो है वो फ्रेडी करंट को कब तक अप्लाई करना है, फ्रेडी करंट को आपने तब तक अप्लाई करना है जब तक कि वो वॉलंटरीली अपना एक्शन जो है मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म करने ना लग जाए। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है, री एजुकेशन में जो है वो हेल्प आउट करता है कि फॉर एग्जाम्पल मसल जो है वो एक काम कर रहा था लेकिन वो अपना जो काम है वो भूल गया है, आपने जो है वो उसको दोबारा से उसको याद कराना है वो वाला काम जो वो कर तो रहा था पहले, कुछ अर्सा पहले से वो कर रहा था लेकिन वो भूल गया था। अब ये किस वजह से हो सकता है, इसके हमारे पास दो मेन रीजंस हो सकती हैं। प्रोलॉन्ग्ड उसने इसका डिसयूज़ किया, ठीक है, डिसयूज़ की वजह से भी वो जो है ख़राब हो गया, उसका जो एक्शन था मेन जो उसका एक्शन था वो ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। और दूसरा जो है उसने उसको इनकरेक्ट यूज़ किया, ठीक हो गया। अब प्रोलॉन्ग डिसयूज़ किस तरह से करेगा कि जैसे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से फुट फ्लैट हो जाता है, इस तरह से होगा कि ये प्रोलॉन्ग्ड उसने उसका डिसयूज़ किया है कि उसने बिल्कुल ही स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहा। अब हमेशा आप उसको पेशेंट को क्या चाहिए कि वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा रेस्ट दे अपने पाँव को ताकि वो इस कंडीशन की तरफ ना जाए। दूसरा आ गया जाता है इनकरेक्ट यूज़, इनकरेक्ट यूज़ में क्या होता है कि जो हमारे पास होता है कि हेलुसिस वेलगस वगैरह में जो है वो डिवेल्प हो जाता है कि आपने जो है उसको सही से यूज़ नहीं करे थे, जिसकी वजह से जो है वो अपना एक्शन जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है किस तरह से करनी है वो अपना एक्शन भूल गया है मसल। तो आपने क्या करना है, उसकी री एजुकेशन करानी है, री लर्निंग करानी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने इनकरेक्ट यूज़ में बात की हेलुसिस वेलगस की, हेलुसिस वेलगस में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारा जो बिग टो होता है ना, हमारा जो बिग टो होता है उसकी एडक्शन हो जाती है, उसकी एबडक्शन नहीं हो रही होती। ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये है, मैंने थंब की बात कर रही हूँ, इसकी ऐसे एडक्शन हो जाती है, एबडक्शन नहीं हो रही होती।
तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो उसको स्टिमुलेट करेंगे, हमारे जो फ्रेडी करंट है उसके मोटर पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे इलेक्ट्रोड्स प्लेस करके, और इससे जो है वो उसकी री एजुकेशन जो है वो मसल की होगी। इसके अलावा जो है वो आप इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में हमारे पास क्या होता है कि जो पेल्विक फ्लोर के मसल होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं। वो क्यों, कि कोई भी रीज़न हो सकती है उनके वीक होने के, आपने उनको यूज़ नहीं किया या जो भी रीज़न है उसका इनकरेक्ट यूज़ किया है, तो उसकी वजह से क्या आपके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, वो अपना एक्शन जो है सही से उन्होंने क्या परफॉर्म करना है वो भूल गए हैं, ठीक हो गया। ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है, और ये होता क्या है कि जब वो कोई भी ज़रा सा ज़ोर से हंसते हैं या फिर कोई वेट उठाते हैं तो उनका क्या होता है, ब्लैडर लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक साइन है कि आपका जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वो वीक हैं, तो आप इस टाइम पे भी जो है वो फ्रेडी करंट यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आ जाते हैं कि ट्रेनिंग करनी है न्यू एक्शन को परफॉर्म करने की, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्या हुआ, कोई भी सर्जरी हुई, हमने कोई नई इम्प्लांटेशन की, अब उस जो नई चीज़ लगी है, फॉर एग्जांपल हमने टेंडन ट्रांसप्लांट किया है, अब जो नया टेंडन लगा है उसको तो नहीं पता कि उस जगह पे कौन सा आपने एक्शन करना है, वो तो बिल्कुल नया आया है उस जगह पे, तो आपने क्या करना है, आपने उस टेंडन को सिखाना है कि किस तरह से यहाँ पे जो भी एक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि हमारी जो है ना रिस्ट ड्रॉप की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो रेडियल नर्व है फॉर एग्जांपल वो डैमेज हो गई है, जब रेडियल नर्व डैमेज हो गई है तो हमारे जो एक्सटेंसर मसल्स हैं वो किनको कब सप्लाई करती है, एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। अब एक्सटेंसर कौन से, एक्सटेंसर रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर रेडियलिस ब्रेविस जो है उसको सप्लाई करती है। जब वो उन मसल्स का एक्शन जो है वो लॉस हो जाता है तो हमारी जो रिस्ट है वो ड्रॉप हो जाती है इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम जो है ना वो प्रोनेटर मसल से, प्रोनेटर टीरी से टेंडन लेके हम उन एक्सटेंसर मसल्स के जो टेंडन है उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। अब आपने फौरन से ही उसकी जो एक्टिव फ्रेडी करंट है उसको यूज़ नहीं करना, आपने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक जो है ना उसको ऐसे रेस्ट देना है टेंडन, ताकि वो जो सर्जरी हुई है वो उसकी रिकवरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है वो आप उस पर फ्रेडी करंट अप्लाई करेंगे और उसको जो है उसको ट्रेनिंग देंगे कि नया जो एक्शन है अब उसने किस तरह से वहाँ पे उस टेंडन ने करना है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी नर्व इंजरी हुई है, फॉर एग्जांपल न्यूरोप्रेक्सिया हुए है, कंप्रेशन हो गया, किस कंडीशन में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हुई है, सैटरडे नाइट पाल्सी हुई है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो रेडियल ग्रूव है उस पर कंप्रेशन हुआ है। अब जो अगर हम रेडियल ग्रूव की बात करें तो ज़ाहरी बात है वहाँ से क्या नर्व पास करी होगी, रेडियल नर्व ही पास करी होगी। अब रेडियल नर्व है वो किसको सप्लाई करती है, हमारे जो एक्सटेंसर मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करती है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। अब जब उन मसल्स की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है, कि एक्सटेंसर मसल्स जो है उनकी सप्लाई ही कट ऑफ हो गई है, जब एक्सटेंसर मसल्स को ये सप्लाई नहीं मिलेगी तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी, ठीक हो गया। तो आप जो है वो इस कंडीशन में हमारे पास जो रिस्ट की एक्सटेंशन है उसको कराने में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा फ्रेडी करंट है उसको। अब जब आपने इसको करना है ना तो आपने हमेशा इसको डिस्टल टू द रेडियल ग्रूव जो है वो अप्लाई करना है, कि पर आपने इसको प्रॉक्सिमल नहीं देना, जैसे हम पहले बात कर रहे थे हमने इलेक्ट्रोड जो है एक इलेक्ट्रोड उस जगह पे लगाना है, दूसरा हमने प्रॉक्सिमल लगाना है, लेकिन इस कंडीशन में आपने इसके जो डिस्टल पोर्शन है रेडियल ग्रूव का वहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेस करना है, ठीक हो गया। ओके, और इसके अलावा हमारे पास होता है न्यूरोटोमेसिस होता है, एक्सोनोटोमेसिस होता है। एक्सोनोटोमेसिस में क्या होता है कि हमारा जो एक्सोन है कि फॉर उस सिर्फ एक्सोन जो लेयर होती है ना और उसके ऊपर माइलिन की कवरिंग हुई होती है, उसमें सिर्फ जो एक्सोन है वो डीजनरेट होता है, लेकिन उसके साथ जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ना वो अभी भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम न्यूरोटोमेसिस हो जाए तो उसमें क्या होता है कि वो जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो भी डीजनरेट हो जाते हैं नर्व के। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको हम सिर्फ वहाँ पे ही दे सकते हैं जहाँ पे हमारे जो मसल है वो इनर्वेटेड हो, ठीक है। पूरा अगर डीजनरेशन पूरी हो जाए नर्व की तो तब हम जो फ्रेडी करंट है वो उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि एडहेजन्स जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए और रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है, कि फॉर एग्जांपल कोई भी सर्जरी हुई है, अब सर्जरी तो हो गई, उसके बाद जो है जब उसकी हमारे पास रिकवरी हो रही थी, रिपेयर हो रही, तो वहाँ पे क्या होगा, स्कार की फॉर्मेशन होगी, उस स्कार की वजह से जो है वो एडहेजन डिवेलप हो गई है, जो जॉइंट की मूवमेंट है, जो फॉर एग्जांपल मेरा ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे रिस्ट पे कोई सर्जरी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वो काफ़ी टाइम तक सर्जरी के बाद वो बिल्कुल एक ही पोजिशन में रहा, ठीक है। अब जब उसकी
हमारे पास हीलिंग हो रही थी, स्कार डेवलप हो गया। अब उस स्कार के डेवलप होने की वजह से मेरा जो रिस्ट है उसकी पूरी मूवमेंट नहीं हो रही, यानी फॉर एग्जांपल पहले मूवमेंट इतनी होती थी लेकिन अब यहाँ तक हो रही है, पूरी इस तरह से मूवमेंट नहीं हो रही। कहाँ तक हो रही है? सिर्फ यहाँ तक हो रही है, पूरी नहीं हो रही। तो इस मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। तो आप क्या करेंगे? तो इस मूवमेंट जो है एडहेशंस को ब्रेक करने के लिए, मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए आप फ्रेडी करंट जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, इसमें एक टर्म यूज़ होती है फ्रेडिज्म अंडर प्रेशर, ठीक है, या फिर फ्रेडिज्म अंडर टेंशन जो है वो एक टर्म यूज़ होती है। इसमें आपने क्या करना है कि अगर आपकी रिस्ट की या है आर्म की हुई है तो हम जो है उसको डंबल देंगे ऐसे ग्रेविटी की असिस्टेंस में, और साथ में जो है वो फ्रेडी करंट अप्लाई करेंगे, तो इससे जो उसका फंक्शन है जो भी वो रिस्टोर हो जाएगा और वो एडहेशंस जो हुई हुई हैं वो भी ब्रेक हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन FES। ये क्या है? ये हमारे पास जो है आर्टिफिशियली जो हम मूवमेंट कराते हैं, मूवमेंट जनरेट कराते हैं। फॉर एग्जांपल पैरालिसिस हुआ है, पैरालिसिस कोई भी स्ट्रोक का पेशेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास हेमी पैरालिसिस हो गया है, हेमीप्लेजिया हो गया है, पैराप्लेजिया हो गया है। अब स्ट्रोक के पेशेंट में क्या होता है कि उनका जो अपर पार्ट बॉडी होती है ना, कि फॉर एग्जांपल जो हमारे आर्म्स वगैरह होती हैं, ठीक है, अपर लिम जो होता है वो चला जाता है फ्लेक्शन में। और आपने देखा होगा कि अक्सर उनका जो हैंड होता है ना वो इस तरह से ऐसे इस तरह से हुआ होता है, अक्सर उन पेशेंट्स का ऐसे उन्होंने किया होता है, और जो लोअर लिम्ब होता है वो एक्सटेंशन में चला जाता है, ठीक हो गया। तो ये क्या करता है हमारे पास FES? क्या करता है FES? हमारी जो है वो आर्टिफिशली मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमने अपर लिम है तो आप जो है इलेक्ट्रोड को जो है वो ट्राइसेप पे प्लेस करेंगे, और इसके अलावा जो है वो नेक पे प्लेस कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास क्या है, फुट ड्रॉप की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। फुट ड्रॉप में क्या होगा कि कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी? कॉमन पिरोनियल नर्व इन्वॉल्व होगी। अब कॉमन पिरोनियल नर्व जब इन्वॉल्व होगी वो किसको सब, इसकी वजह से एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो डॉर्सी फ्लेक्सर्स हैं, एंटीरियर टिबियलस वगैरह है, उनका फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो उनको सप्लाई कर रही होगी, उसकी वजह से जो है वो फुट ड्रॉप हो गया। तो आप इस कंडीशन में जो है वो फ्रेडी करंट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ऑर्थोसिस की रिप्लेसमेंट अगर हुई है, ऑर्थोसिस के रिप्लेसमेंट में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऑर्थोसिस, कोई भी ब्रेस हो गया, ऑर्थोसिस हो गया, अगर वो उसकी जगह मसल आपके वीक हुए हुए हैं, ठीक है, तो मसल्स का पैरालिसिस हुआ हुआ है, तो आप जो है उसकी ऑर्थोसिस ना लगाएं बल्कि फ्रेडी करंट जो है उसको अप्लाई कर लें। इसके अलावा वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज को भी इंक्रीज करता है। वो हम बात कर चुके हैं कि जिस तरह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है जब हम फ्रेडी करंट अप्लाई करते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती हैं, तो उसकी वजह से जो है जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है और न्यूट्रंस वगैरह आते हैं, और बाद में क्या होता है कि हमारे पास जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो मसल का रिलैक्सेशन होता है, तो उसकी वजह से जो वीनस रिटर्न है वो भी ज़्यादा होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी रिमूव होते हैं। दैट्स इट। आई होप सो आपको जो है वो इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।